आपके बेटे को पेट में दर्द होती है, दर्द लगातार होती है, आप दवाएं देते हैं, कुछ देर के लिए आराम मिलता है, लेकिन दर्द पूरी तरह से खत्म नहीं होती है। मीठी मीठी दर्द, कभी बहुत तेज दर्द, उसके साथ ही साथ कभी कभी उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। बच्चा जब लेटता है तो जो उसको दर्द होने लगती है, कुछ भी खाया पेट में दर्द होने लगती है, उसको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम रहने लगती है, आप परेशान हो जाते हैं, बच्चा धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। बाप के दिमाग में समझ में नहीं आता आखिर क्या करूं, इसको क्या हो गया। दोस्तों, हो सकता है कि बच्चे के आंतों में गांठें बन गई, यानी कि मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी की प्रॉब्लम हो गई। मैं डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी आज आप लोगों को मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, आपको इसके लक्षण बताऊंगा, इसका कारण बताऊंगा, इससे बचाव बताऊंगा, इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा और इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। एक एक बात को ध्यान से सुनिए, चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, खास तौर से शहर में रहने वाले बच्चे जो फास्ट फूड वगैरह का ज़्यादा सेवन करते हैं, फाइबर वाले चीज़ें से दूर रहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसका कारण, देखिए कारण की अगर बात करें तो इन्फेक्शन, किसी भी तरह का अगर पेट में इन्फेक्शन हो गया, जैसे सपोज करिए कि आपका खान पान फाइबर वाले चीज़ों का कम है, आप फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, तो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ इंटेस्टाइन जो नोड्स प्रोमिनेंट हो जाती है और जिसकी वजह से मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है। दूसरा होता है कि कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, जैसे सपोज करिए कि किसी तरह के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का इन्फेक्शन हो गया और वो आंतों में धीरे धीरे प्रोमिनेंट हो गई और नोड्स को बढ़ा करके और वो मिसेंट्रिक लिम्फ को प्रोमिनेंट कर दे। कभी कभी क्या होता है कि ड्यू टू लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, जैसे कि किसी किसी को हेरिडिटरी रूमेटिड अर्थराइटिस है, उसके वजह से भी कभी कभी नोड्स की प्रोमिनेंसी हो जाती है। इसके साथ ही साथ कभी कभी किसी को हेरिडिटरी वजह भी होता। तो अब अगर मान लीजिए कि मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी की प्रॉब्लम हो गई तो कौन कौन से लक्षण होंगे, मैंने आपको शुरू में ही बताया, पेट में दर्द होना, कमजोरी लगना, धीरे धीरे शरीर का वेट कम होते जाना और मीठा मीठा दर्द कभी कभी बना रहता है, कुछ भी खाओ उल्टी जैसा लगता है, पेट में दर्द होती है और इसके साथ ही साथ वोमिटिंग जैसा महसूस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सारे लक्षण जो है मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी के होते हैं। अब इसका बचाव के तौर पे देखिए, बच्चों में आदत डालिए कि बच्चा जो है कुछ फास्ट फूड वगैरह से थोड़ा दूर रहे, फाइबर वाली चीज़ों का ज़्यादा सेवन कराइए, बच्चे को रेशे वाली चीज़ें ज़्यादा दीजिए और इसके साथ ही साथ अगर उसको इन्फेक्शन है तो उसके कारण को देखिए कि इन्फेक्शन किस वजह से। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक यानी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट का जैसे ही नाम आता है हम तुरंत भागते हैं एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के ऊपर और जाते हैं तो टेस्ट कराया जाता है। टेस्ट कराने के बाद जो है ये देखा जाता है कि मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी की प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गई है। अब ऐसे केस में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता देना चाह रहा हूँ कि अगर मिसेंट्रिक ड्यू टू इन्फेक्शन है, यानी कि बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट है, तब तो एंटीबायोटिक से थोड़ा रिलीफ दिया जा सकता है, लेकिन अगर बैक्टीरियल नहीं है, इन्फेक्शन से नहीं है, तो किसी भी सूरत में उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। कभी कभी जब नोड्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं तो सर्जन उसकी सर्जरी की बात करता है, लेकिन मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूं कि सर्जरी भी इसका परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि आप कितने
नोड्स को रिमूव करोगे? सपोज करिए कि अगर पूरा इंटेस्टाइन इफेक्टेड हो गया तो वाई यू कैन रिमूव ऑल द नोड्स ऑफ इंटेस्टाइन। तो ऐसे केस में अब एक ही विकल्प बचता है, होम्योपैथी। सचमुच में दोस्तों ऐसे केस के लिए होम्योपैथी का जवाब ही नहीं है। आपको बिल्कुल भरोसे के साथ ट्रीटमेंट करना है अपने क्षेत्र के अच्छे होम्योपैथी चिकित्सक से मिलकर के, और प्रॉपर तरीके से इसका ट्रीटमेंट कराइए। निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में अगर गांठ छोटी है, प्रोमिनेंसी अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत जल्दी सही हो जाएगा, थोड़ी बड़ी है थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं अपना अनुभव बताऊं दोस्तों, मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी की बहुत केसेस, चूंकि ऑनलाइन ट्रीटमेंट अपना बहुत कारगर है, देश विदेश में दवाएं भेजी जाती हैं, लोग हमारे चैनल को देख के हमसे जुड़े हैं और वो रिपोर्ट भेजते हैं, उनकी दवाएं भेजी जाती है, पेशेंट से बात कर लिया जाता है, उसकी फ़ोटो देख ली जाती है, और सचमुच में दोस्तों पता नहीं कितने पेशेंट आज बिल्कुल ठीक हो गए। आप लोग हमारे चैनल पे उसकी जानकारी ले भी सकते हैं। अब बात करते हैं दवाओं की। दवाओं की दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पेशेंट यू डज नॉट प्रेस्क्राइब एनी मेडिसिन इन एनी कंडीशन। होम्योपैथी टोल्ड दैट विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन यू डज नॉट प्रेस्क्राइब एनी मेडिसिन। कुछ डॉक्टर दवाएं बताते हैं लेकिन दवाएं बगैर आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के कैसे देंगे? भाई दर्द हो रही है, किस वजह से दर्द हो रही है, कैसी दर्द है, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो दोस्तों आप अच्छे इलाज के लिए सही तरीके से डॉक्टर से सारी बातें बताइए और पूरी तरह से इसका इलाज हमेशा हमेशा के लिए पाइए। निश्चित रूप से होम्योपैथी इस बीमारी के लिए एक वरदान है। आप मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, किसी भी सूरत में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी कह रहा है आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथी चिकित्सक से मिलके और उसे सारी बात बता के उसका इलाज करिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरी सेवा लेना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप उससे फोन करके कमेंट करके आप मुझसे जुड़िए, आपको आपकी सेवा घर तक भी की जा सकती है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको हमारे चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी पे नित्य दी जाती है। आपको ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप महत्वपूर्ण जानकारियों को समझ सकें, जान सकें। तो सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल दबाइए और मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो जानते हैं आपके एक शेयर से पता नहीं कितने का भला हो सकता है। अगर सपोज करिए किसी बच्चे को मिसेंट्री की प्रॉब्लम है और आपने उसको शेयर कर दिया, उसने देख लिया और मेरी दवा वहाँ तक पहुँच गई और वो ठीक हो गया, तो सोचिए कितनी बड़ी आपका उपकार होगा। निश्चित ही दोस्तों उपकार करने का, एक दूसरे की सेवा करने का तरीका अलग अलग भी हो सकता है। तो आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को देखिए और मेरे चैनल से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।